अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद इस्माइल है और मोस्टली लोगों को पता है आप में से, जिनको नहीं पता उनको पता लग गया। मैं प्रो गेमर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं अप टू डेटेड थोड़ा थोड़ा सा रहता हूँ। और आजकल एक बहुत बड़ा जो है ना समझ लो प्रॉब्लम चल रहा है, वो ये है कि पबजी बैन हो। अब बात यह है कि पबजी बैन हो गई है तो कुछ लोग लिटरली रो रहे हैं, सॉरी टू से, और कुछ लोग परेशान हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि यार ये एक ही तो गेम थी जो हम सब मिलके 3-4 फ्रेंड या यूनिवर्सली लोगों के साथ मिलके खेल लेते थे, अब वो भी बंद हो गई, हम लॉकडाउन में हैं, हम क्या करेंगे। ये वो बात यह है कि एक गेम है, हमें गेम को गेम की तरह ही लेना चाहिए। किसी किसी के लिए प्रोफेशन है लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। हर कोई शुमाइल नहीं है, हर कोई अरसलान सदीकी नहीं है जो टेकन 7 या डोटा 2 से कमा रहे हैं, पबजी ऑब्वियसली पबजी से भी कमा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं सुना, अगर सुना भी है तो मुझे याद नहीं, सॉरी टू से। तो मेरा मकसद बताने का और कहने का ये है कि जिस टाइम पे आप सबको अपने ऊपर काम करना चाहिए, उस टाइम पे हम सब जो है बैठ के पबजी पे रो रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है, किसी काम का नहीं है, फ़ायदा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें अपना टाइम, किसी और की गेम के ऊपर इन्वेस्ट ना करें। देखें, आप पबजी खेलते हैं तो उससे जो पबजी का ओनर है, CEO है, या जो भी ग्रुप है जो पबजी को चला रहे हैं, उनको फ़ायदा होता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क पीछे रह गया सब मुल्कों में, हमने तरक्की नहीं की, लेकिन हम ये नहीं कभी भी कहते कि यार हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया होता तो हम कहीं से कहीं चले जाते। हम ब्लेम करते हैं दूसरों पे, हम अपने ऊपर ब्लेम नहीं करते, ये हमारी नेचर है। तो काइंडली हम सबको, और ये आपकी नहीं मेरी भी नेचर है, तो हम सबको एक्चुअली अपने ऊपर काम करना है। काम ये करना है कि अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने स्किल्स इन्हांस करें, अपनी गेमिंग स्किल्स ना इन्हांस करें, गेमिंग स्किल्स करें ज़रूर करें लेकिन एक मीडियोकर लेवल पे रखें। इस चीज़ को इतना ज़्यादा बिल फर्ज मैं सिर्फ वैसी आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, पबजी बैन ना होती लेकिन पबजी प्ले स्टोर से ही डिलीट हो जाती और पबजी के अपने ही जो है क्रिएटर्स वो डिलीट कर देते, तो फिर आप क्या करते? ऑब्वियसली आप दूसरी गेम पर शिफ्ट कर देते। तो अभी भी हो जाएंगे लोग, मेरा अपना भाई है फोर्टनाइट खेलता है और ही इज़ लिटरली फ्रीक, वो फोर्टनाइट ही खेलता है सारे दिन, लेकिन जब वो फारिग होता है तो मेरा असल बड़े भाई होने का ये समझ लो आपके मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको कुछ सिखाऊं, कुछ समझाऊं। तो मैं उसे क्या कहता हूँ कि यार आपने अपने पूरे टाइम के हिसाब से फोर्टनाइट खेल लिए, अब आपका अपने ऊपर टाइम लगाने का वक्त आ गया। तो मैं उसको डिफरेंट टास्क देता हूँ, जो भी वो उसको अच्छा लगे वो सर्च करे, अपने नॉलेज को इन्हांस करे। गेम खेलता है वो लिटरली यार ऐसे 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 लगा हुआ होता है और मुझे लिटरली समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो गेम खेलता है, वो अपने 2-3 घंटे उस PS4 पे ज़ाया कर देता है और उसके बाद कोई फ़र्क नहीं। मीनवाइल मैं बैठा हुआ होता हूँ, मेरे पास फ़ोन है, लैपटॉप है, दोनों में से कुछ भी ना हो, अब मैं कितनी इजी सी बात है, मैं इसमें फ्रेंड्स सीख रहा हूँ, मैं डेली के 2-3 वर्ड्स काउंटिंग हर चीज़ फ्रेंड्स में सीखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फारिग नहीं रहना चाहता, मैं अपना टाइम किसी गेमिंग चीज़ पे वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं करना चाहता इस तरह का। क्यों? क्योंकि मुझे इस लॉकडाउन के बाद अपने अंदर एक चेंज लेके आना है और अपने लिए चेंज से ज़्यादा इस मुल्क के लिए चेंज करना है, जो कि हम सबकी असली ड्यूटी है। हमें खुद को तो चेंज करना ही करना है, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं हमने इसको एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है, इसको एक अच्छी चीज़ बनानी है, ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम में से ही लोग जाते हैं जो आगे इस मुल्क को चलाते हैं। और अगर हम ही आज जो है कुछ काम का नहीं कर रहे तो फिर ऑब्वियसली पावर में भी आके कोई कुछ नहीं करेगा। तो अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अच्छे अच्छे से स्किल सीखें, आपका जो भी शौक है आप वही शौक करें, उसी को ही फॉलो करें, लेकिन अपने चाहे गेमिंग है चाहे कुछ भी है उसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स ना करें, हावी ना करें। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों ने हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देना होता। बिल्कुल नो डाउट, ये मैंने लिखा हुआ था,
ये यावर हसन है, अरसलान सदीकी है, एक और है आयशा समन है, या समान है, क्या नाम है, सॉरी नॉट समान होगा, समान नहीं होगा, सॉरी सॉरी समन होगा। तो ये लोगों ने पैसे कमाए हैं, नो डाउट कमाए हैं, लेकिन अब हर कोई आयशा नहीं है, हर कोई यावर नहीं है, हर कोई अरसलान नहीं है, हर कोई सुमेल नहीं है। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि इनके पीछे ही लग जाएं, तो हमें जो है अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा सा थोड़े अच्छे तरीके से करना है, हमें स्किल सीखने हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो टूल्स को यूज़ करना हो, कुछ भी करना हो हमें ये करना है। हमें ये नहीं करना कि हम बैठ के एक गेम खेल रहे थे और वो गेम आज बंद हो गया और अब हम सोशल मीडिया पे शुरू हो गए हैं, ये गेम क्यों बंद की है, स्कूल्स को भी बैन कर देना चाहिए ये वो। नहीं यार, स्कूल्स को बैन कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसने स्कूल में जाते हुए नहीं पढ़ना है वो स्कूल के बगैर भी नहीं पढ़ेगा। तो इस वजह से आप लोग अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, अपना टाइम, और जहाँ पे आप किसी और की कंपनी को फ़ायदा दिलवा रहे हैं गेमिंग करके, आप अपने आप को क्यों नहीं फ़ायदा दे पाए। मैं हूँ, मेरे पास फ़ोन, 75% पॉपुलेशन पाकिस्तान की के पास फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है। मेरा सिर्फ ये ख्याल है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की हुई, मैं नहीं करता रिसर्चेज, मैं अपने सोच के हिसाब से अपने आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ कि यार उसमें से 7 या 8% लोग होंगे जो फ़ोन्स के असल रीज़न को यूज़, लाइक वो फ़ोन की एक असल वे में उसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो अर्निंग है, चाहे वो कोई स्किल्स हैं, कुछ भी है। बाकी के जो तकरीबन 70 या 69% आवाम जो है वो सिर्फ फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट कर रही है, और सबके सब यही चाहते हैं, ये जितनी भी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं वो यही चाहते हैं कि हम फ़ोन्स पे लग जाएं। हमने कभी क्यों नहीं देखा कि फ्रांस के, इटली के, यूरोपियन किसी भी कंट्री के, अमेरिका के, या आप समझ लो ऑस्ट्रेलिया के लोग टिकटॉक पे लगे हुए हैं या वो पबजी खेल रहे हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये ऐप्स अपने लिए नहीं बनाए, उन्होंने ये ऐप्स हमारे लिए बनाए हैं ताकि हम इन्हीं चक्रों में फंस जाएं और हम तरक्की ना कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अच्छा अच्छा सा काम करें, अपने माइंड को यूज़ करें और किसी काम की चीज़ पे यूज़ करें, चाहे आप लैपटॉप के अंदर घुस जाएं लेकिन अच्छी तरह से करें, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वेबसाइट डेवलपिंग हो, फोटो एडिटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, आप व्लॉग्स बनाएं, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएं, कुछ सीखें, कुछ पढ़ें। कुछ नहीं पढ़ना कुछ भी नहीं होता ना आपसे, आप नमाजें पढ़ें, आप नमाज पढ़ेंगे लिटरली चेंज आ जाएगा आपकी पूरी की पूरी लाइफ, ऐसे चेंज हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ ये आपके कहने के हद तक कह रहा हूँ, तो आप लिटरली ये देखें, मैं अभी नमाज पढ़ रहा था, अभी अभी नमाज पढ़ के फ्री हूँ, और नमाज पढ़ने से पहले ही मुझे ये आइडिया आया कि मैं आप लोगों से बातें करता हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा अपना आइडिया शेयर करता हूँ। तो आई होप कि अगर आपको बुरा लगा तो भी मुझे मैसेज कमेंट करके बताएं, अगर आपको अच्छा लगा तो भी मुझे बताएं, अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है, मुझे कुछ कहना है, तो चाहे आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें या आप मेरे स्नैपचैट पे मुझे मैसेज करें, और अगर इनकेस किसी के पास मेरा मोबाइल नंबर है तो चाहे मुझे व्हाट्सएप पे बात करें, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, अपना कोई भी सीक्रेट मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपका सीक्रेट मेरे साथ लिटरली ऐसे सेव हो जाएगा जिस तरह कि आपने कभी किसी को बताया ही नहीं। तो मेरा सिर्फ मकसद यह है कि मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट वे में हेल्प कर सकूं और आप लोगों के साथ सारे मुश्किल टाइम में, सारे अच्छे टाइम में आपकी सपोर्ट बन के रह सकूं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को भी अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका सब कर रहे हैं, कोई बताता नहीं है, वो लिटरली मुझे याद आ गया, कोई बताता नहीं है, कोई देता नहीं है, वो पता नहीं 3 इडियट्स का कोई था। खैर, बात यह कि अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें और अपना ख्याल रखें, घर में रहें लेकिन घर में रह के ही अपने टाइम को यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें प्लीज़। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको बुरा नहीं लगा होगा, मे भी शायद अच्छा ही लगा हो। तो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और ये व्लॉग नहीं था, ये सिर्फ आपसे बातें करने का एक टाइम था, मौका था। तो अल्लाह हाफिज़ सभी के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।